फिलहाल हम तिगांव के भदौला गांव में पहुंच चुके हैं। यहां पे कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि चुनावों को लेकर आखिर क्या कुछ उनको नज़र आ रहा है। विधानसभा चुनाव अक्टूबर में है, क्या लगता है आपको कौन बाजी मारेगा तिगांव से? तिगांव में भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद में तो मुझे लग नहीं रहा, बाकी अभी तक जो उनकी सरकार है इसलिए उनके साथ लोग लगे। क्यों लग क्यों नहीं रहा? अभी तो बम्पर जीत दे के आपने लोकसभा में भिजवा दिया। लोकसभा मोदी के नाम पर वोट मिली थी। अच्छा। और जो हरियाणा के मुद्दे वो अलग मुद्दे हो जाते हैं। अच्छा। वो प्रधानमंत्री तिगांव के मुद्दे क्या हैं? तिगांव के मुद्दे तो आप देख रहे हो, ही क्या रहा, सारे मुद्दे हैं। ये सड़क बनी थी, आप देख लीजिए, ये चार लेन की बनते पाँच साल छः साल से बन रही है। विपुल गोयल ने सड़क बनवाई थी साई मंदिर के आगे से, वो खाली बुढ़ाना के मोड़ तक रह गई थी और यहाँ से पाँच साल में ये सड़क बनी है। और इसमें भी चार लेन की बननी थी, दोनों साइड नाली बननी थी, आप ये देख लीजिए। और जो खट्टर के टाइम में सीएम खट्टर साहब के टाइम में जो व्यायामशाला बने थे, पीछे जाके देखो। जो आप कह रहे हैं अब तीन चार सड़कों का जिक्र किया, उससे पहले आपने बोला कि विपुल गोयल के टाइम पे वो सड़क बनी थी वहीं पर ही रह गई, तो उससे आगे नहीं बढ़ी? उससे आगे पाँच साल में बढ़ी है। पाँच साल में दो दो साल तक तो निकलना पड़ना मुश्किल हो गया। साल तो विधायक ही कोई और था, विधायक इसका तो विधायक राजेश नागर था, भारतीय जनता पार्टी थी, वो कहता मुझे काम करने नहीं दे रहा। और अभी ये आपके सामने रही दोनों साइड में, ये है इसमें सोसाइटी में कम से कम 1 करोड़ का फ्लैट है, इन लोगों का ये रास्ता है, रास्ते में ये देख लो दोनों साइड में नाली बनी हो तो पानी कहाँ जाएगा। ये भी उसके ग्रांट जो ये बनानी थी एक्चुअल में बिल्डर ने, और ये राजेश नागर के कोटा से बनी है। अब यहाँ में भी पानी कहीं निकलने का रास्ता तो कहीं पर नहीं है। तो मतलब राजेश नागर कुछ नहीं करवा पा रहे हैं, पानी के काम के नाम पे जीरो ही है। खाली गांव में जो बन रहे हैं खरंजा, वो भी नाली नहीं बन रही है, खरंजा बन रहे हैं, मन मर्जी कोई कहने वाला। आपको ये लग रहा है कि इसलिए ये हो रहा है क्योंकि राजेश नागर की कोई सुन नहीं रहा है? ऊपर नहीं सुन, खुद भी लगातार कहते रहे कि काम नहीं हो रहा है और अधिकारी ज्यादा हावी हैं। हावी है बिल्कुल, आप प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में लग जाओ। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर आज फरीदाबाद में मैं कहता हूँ हमें, मैं खुद एक, मुझे खुद ये नहीं पता ऑफिस कहाँ कौन बनाएगा। अच्छा। सरकार को कैंप लगा ठीक करना चाहिए। दूसरा आज समाधान शिविर लगा तो रहे हैं अभी, कहाँ पर लग रहा है, किसको जानकारी है, कैसे जानकारी होगी? नहीं मिल रही कोई जानकारी, नहीं है, पेपर के माध्यम से खबर छपे। और जहाँ पर तो कंडीशन ही मतलब दूसरे हिसाब का, अब तो मुंह बंद है लोगों के। अच्छा, सीधा वोट डालेंगे जब तब जवाब देंगे, बस बस मुंह बंद है। और रही रही जीतने की बात, जब साढ़े छह लाख से 6 लाख के रूपये जीता था, अभी 1.5 लाख के लगभग जीता है, क्या फर्क मिला? अपने विधानसभा में 1,28,000 वोट आई है, उसमें 88,000 आ गई है, इतने फर्क हुआ? तो अभी रहा आसान नहीं है, मुश्किल है। क्या लगता है कांग्रेस या कोई और पार्टी? कांग्रेस को भी आप देख लो, महेंद्र प्रताप के सपोर्टर थे, वो कहां गए? तिगांव विधानसभा से बात कर रही हूं, क्या लगता है तिगांव का विधायक कौन बनेगा? मैं तिगांव की ही बात कर रहा हूं। तिगांव का विधायक कौन बनेगा? तिगांव का नायक निकल कर आ रहा है, तो कोई नया आ रहा है? ललित नागर ना, कोई नया है? नया आ रहा है, देखते हैं कौन नया मिलता है। तिगांव से कोई नया बता रहे हैं कि नया निकल कर आ रहा है? कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं, यहाँ पर है, क्या लगता है तिगांव का विधायक कौन बनने जा रहा है इस बार? मैम मेरे को आइडिया नहीं है कुछ भी, यहाँ का नहीं रहते हैं। मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। तो पानी वानी सड़क पे भरता है क्या? बिल्कुल अच्छे से भरता है जी। कब से टूटी है ये सड़क? काफी टाइम हो गया इसको, तो काफी टाइम नहीं हुआ है, ठीक हुआ था फिर हो जाता है। कह रहे मैं दिल्ली से हूँ लेकिन यहाँ पे जॉब करता हूँ, ये सड़क लंबे समय से टूटी हुई है, पानी भी यहाँ पे लगातार भर जाता है जब बारिश आती है तो, लेकिन ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है। आगे चलते कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि गांव विधानसभा में चुनावी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, इस बार क्या चुनावों में ग्राउंड पे लोगों को तस्वीर देखने को मिल रही है।